कटरीना कैफ को न्यू ईयर ईव में 30 मिनट परफॉर्मेंस के लिए 2 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, लेकिन कैट्स ने इस ल्यूक्रेटिव ऑफर को कर दिया रिजेक्ट। वैसे कुछ वक्त पहले करीना कपूर ने भी ऐसे ही एक ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। प्रियंका चोपड़ा आमिर खान को फॉलो कर रही हैं और वो भी बन गई है परफेक्शनिस्ट। प्रियंका उनकी फिल्म बर्फी के लिए काफी रिहर्सल्स करती हैं और देती है एंडलेस रीटेक। प्रियंका चाहती है कि वो फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दे, लेकिन इस वजह से फिल्म का शेड्यूल बिगड़ रहा है और क्रू मेंबर्स को परेशानी हो रही है। करीना कपूर की फिल्म जैसे एजेंट विनोद और एक में और एक टू की रिलीज में सिर्फ एक हफ्ते का ही डिफरेंस है और ये दोनों फिल्म करीना के लिए स्पेशल हैं, जिस वजह से करीना को इन फिल्म का प्रमोशन साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, जो कि करीना के लिए काफी स्ट्रेसफुल होगा। अगर खबरों की माने तो बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा बासु को हम ब्रिटिश फिल्म स्नैपशॉट वेडिंग में देख पाएंगे और शायद इस फिल्म में बिप्स के ऑपोजिट नजर आएंगे क्रिस गियर। राणा दागुबत्ती को हम राम गोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाते हुए देख पाएंगे और राणा ने अपने इस रोल के लिए रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर्स के साथ फिजिकल ट्रेनिंग की और उनसे कई टिप्स भी लिए।